ग्राम प्रधान भुशवल बास गांव गोरखपुर विनय कुमार सिंह की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंजीनियर सुरेंद्र भट्ट प्रबंधक व प्राचार्य डॉक्टर उमेश मिश्रा हरिद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय राजपुर गगहा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्यासागर गौंड ग्राम प्रधान बंजरिया विकास खंड बनकटा देवरिया की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान सिकरहटा सूरज ठाकुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलुआ विकास खंड बनकटा ग्राम प्रधान ध्रुपनाथ गौड़ व बलुआ विकास खंड बनकटा ग्राम पंचायत अधिकारी जमील हुसैन की तरफ से क्षेत्र की जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष वर्मा व डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधान संघ अध्यक्ष गगहा व ग्राम प्रधान बांस गगहा विनोद सिंह के तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेंध काटकर उड़ा ले गए घर का सारा सामान। गगहा रात लगभग 1 बजे चोरों ने गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम पकड़ी दुबे में सेंध लगा के घर का सारा सामान उड़ा ले गए। पीड़ित परिवार के अनुसार एक मंगलसूत्र लगभग 10,000 रुपए वो सोने के कुछ जेवरात व एक छोटे से बक्से की चोरी हुई है। कुल लगभग 35,000 से ज्यादा की चोरी हुई है। ग्राम पकड़ी दुबे के सबरजीत यादव के घर पर रात्रि लगभग 1 बजे चोरों ने सेंध लगा के चोरी कर ली। उस समय घर में उनकी माँ और बहन ही थी। इसकी सूचना तुरंत 112 पर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है, पर अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कोरोना से बचाव को मद्देनजर रखते हुए घर पर ही मनाए आजादी का महापर्व। गोला गोरखपुर अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर बुधवार को चंद्रदेव सेवा संस्था के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही वतन की चिट्ठी आपके नाम पत्रक जारी कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्रता दिवस को घर पर मनाने की अपील की तथा देश और समाज के सुखद भविष्य हेतु कामना किया। पत्रक में कहा गया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पूरा दिन अमर शहीदों की याद में समर्पित करते हुए देश की सुरक्षा में लगे सेना के जवानों के प्रति आभार व सम्मान व्यक्त करें। इस अवसर पर संस्था के सचिव भारती सर्वेश कुमार मिश्र, सभासद सुनील यादव, संतोष यादव, गौरीशंकर यादव, मंटू हरिजन, अखिलेश मिश्र, विनीत पांडे, त्रिभुवन यादव, नितेश तिवारी, रविंद्र कुमार आर्या, रुद्रेश मिश्र, सत्येंद्र प्रजापति, अमन यादव, अनूप यादव, छोटू यादव आदि उपस्थित थे। स्वच्छता को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए सुझाव। गोला गोरखपुर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सभासद व सफाई कर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशासी अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि नगर को स्वच्छ बनाए रखने में आप सबकी सहभागिता जरूरी है। सभासद व भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन ने कहा कि भारत सरकार की चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन की धार देने के लिए रैली के माफर्त से लोगों को जागरूक किया जाए। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि मुरली प्रसाद, सुदर्शन कसौधन, दीपक जायसवाल, इमरान अंसारी, भिखारी लाल निषाद, राम शब्द निषाद, रामपुरन गुप्ता, राम शब्द भारती, बबलू सोनकर सहित सफाई कर्मचारी सहित आदि लोग मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा के तहत रैली निकालकर किया गया जागरूक। बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय से निकली रैली को नगर पंचायत चेयरमैन लालती देवी व अधिशासी अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर पंचायत कार्यालय से निकलकर सराय चौक, सर्राफ मंडी, मेन चौक, सिनेमा रोड, ब्रह्मा स्थान, हनुमानगढ़, ईदगाह, गौशाला होते हुए चंद चौराहा पर पहुंची। वहां से चिकनिया तहसील चौराहा से वार्ड नंबर 1 होकर भ्रमण करते हुए पुनः नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई।
रैली में चेयरमैन प्रतिनिधि मुरली प्रसाद, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कशोधन, एसआई मोहम्मद कादिर, डीपीएम पूजा राय, डीसी अवधेश कुमार शुक्ला, वरिष्ठ लिपिक जयप्रकाश श्रीवास्तव, सभासद दीपक जायसवाल, रामपूरन गुप्ता, इमरान अंसारी, सुदर्शन कशोधन, लल्लन प्रसाद, नगर पंचायत की सफाई कर्मी शामिल रहे। विधायक ने किया सीसी मार्ग का लोकार्पण। गगहा क्षेत्र के ग्राम सभा बाऊपार दूधापार में बांसगांव विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान ने 15वां वित्त आयोग 2020-21 जगदीश पासवान के घर से शिव कुमार पासवान के घर तक 150 मीटर लंबी सीसी मार्ग का लोकार्पण किया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 8.98 लाख है। इस दौरान विधायक श्री पासवान ने कहा कि क्षेत्र का कोई भी गांव मुख्य सड़क मार्ग से नहीं छूटेगा, यही प्रदेश सरकार की मंशा है। इस मौके पर महेंद्र पासवान, प्रदीप निषाद, प्रधान बिठुआ, बबलू यादव, संतोष चंद, नवनीत सिंह, शिवाकांत यादव, रवि मौर्य, आलोक दुबे आदि लोग मौजूद रहे। अपेक्षित कार्य होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। इस बात के साथ यहाँ पर आए अपने सभी बाद में निकला गया था सड़किया गंगा जाना जरूरी है, इतने दूर से आए तो काम डिस्टर्ब कर रहे हैं ना बाकी लोगों का। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, समय पर सबको सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, ये आपकी मूलभूत सुविधा है और उसको को पूरा करना जो है सबसे पहली जिम्मेदारी होती है किसी भी विधायक की। प्राथमिक विद्यालय देवरान खुर्द में बच्चों में राशन हुआ वितरित। बांसगांव गोरखपुर प्राथमिक विद्यालय देवरान खुर्द बांसगांव में नव निर्वाचित प्रधान दिनेश पांडे द्वारा बच्चों में 49 दिन एवं 138 दिन का राशन दिया गया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए ग्राम प्रधान दिनेश पांडे ने बताया कि 49 दिन 138 दिन का राशन प्रति बच्चा 6 किलो 230 ग्राम गेहूं एवं 12 किलो 470 ग्राम चावल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ई प्रधानाध्यापक पंकज पांडे, शिक्षक अमरेंद्र शाही, अमित त्रिपाठी, अनिल पांडे एवं गांव के सम्मानित नागरिक अभिभावक गण मौजूद रहे। सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक सम्पन्न। ग्राम विकास अधिकारी नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में और ग्राम प्रधान लवलेश कुमार की उपस्थिति में वासुडीहा पंचायत भवन में सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक की गई। ग्राम विकास अधिकारी नंदकिशोर यादव ने बताया कि मेरी पंचायत मेरा अधिकार जनसेवाएं हमारे द्वारा अभियान चलेगा और ग्राम पंचायत का अपना सिटीजन चार्टर तैयार होगा। पंचायतों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए 29 विषयों से संबंधित सेवाओं को शामिल कर सिटीजन चार्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतें आवश्यकता के अनुसार सुधार कर सकती हैं। इस दौरान ग्राम सभा के तमाम लोग उपस्थित रहे। बांसगांव पशु आश्रय गृह में आवारा पशुओं की होती है नियमित जांच। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर स्थित पशु आश्रय गृह पर आवारा पशुओं की नियमित जांच होती है। उप जिलाधिकारी विनय पांडे ने बताया कि साफ सफाई व पशुओं को नियमित रूप से देखरेख किया जाता है। उन्होंने भूसा की स्थिति देखी, चारा सहित अन्य सुविधा मौजूद है। बांसगांव पशु आश्रय गृह की हालत सही है। यहाँ पे पशुओं के लिए चारा, भूसा, राशन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में किया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी बांसगांव से बातचीत करने पे पता चला कि उन्होंने बताया कि मैं कल ही यहाँ पे गया था और निरीक्षण भी किया हूँ और यहाँ की स्थिति सामान्य है, सब चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। नियमित तौर पर डॉक्टर यहाँ पशुओं का इलाज करते हैं। खबर का असर, जाम हुए नालियों की हुई सफाई, रोड पर लगे पानी जमाव को हटाया। गगहा गजपुर मार्ग पर गंभीरपुर गांव में नाली के जाम होने के कारण सड़क पर हुए जल जमाव व कीचड़ जमाव की खबर कवरेज की गई थी, जिसके बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए। बुधवार को सुबह से ही जाम हुए नाली की सफाई के लिए जेसीबी लगाई गई, जिसके बाद सड़क पर जमे पानी और कीचड़ का निराकरण हो पाया। साथ ही सड़क पर गिट्टी डालकर सड़क को दुरुस्त किया गया, जिससे कि ग्रामवासियों एवं राहगीरों को अंतरिम राहत मिल सके। गगहा से गजपुर जाने वाली मार्ग पर गंभीरपुर के पास सड़क टूट गया था, जिसकी खबर तो हम लोगों ने प्रमुखता से
से चलाया था, जिसके बाद प्रशासन की नींव खुल गई है और सड़क का मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। नालियों की सफाई की गई और सड़कों के बीच में रोड़ा डाला गया है। बांसगांव में सफाई अभियान तेज। बांसगांव नगर पंचायत में इन दिनों सफाई अभियान तेजी से चल रहा है। आज अधिशासी अधिकारी कमलेश सिंह ने साफ सफाई के लिए लोगों से अपील किया है। उन्होंने कहा है कूड़े को एक स्थान पर रखें, नगर पंचायत की गाड़ी आएगी और कूड़े को ले जाएगी, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बांसगांव नगर पंचायत में सफाई अभियान तेजी से कार्य चल रहा है। आज सुबह वार्ड नंबर 9-11 में विस्तार रूप से सफाई अभियान चलाया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज। संत कबीर नगर जिले के दसरौली गांव निवासी मृतका के भाई सर्वेश मौर्या ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मेरी बहन सरिता की शादी 13 मई को बांसगांव थाना क्षेत्र के कुचैटा गांव निवासी हरिशंकर मौर्या पुत्र रामप्रीत मौर्या के साथ हुई थी। मेरे बहनोई हरिशंकर मौर्या ने मेरी बहन सरिता की दहेज के चलते हत्या कर दी। पुलिस ने धारा 498A, 304B तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दहेज हत्या के आरोप में वांछित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव व प्रभारी निरीक्षक राणा देवेंद्र प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक अरशद खां द्वारा मैं हमराह कर्मचारी गढ़ के मुखबिर खास की सूचना पर दहेज हत्या के वांछित अभियुक्तों हरिशंकर मौर्या, हरिओम मौर्या, पुत्रगण रामकृत मौर्या, शांति देवी पत्नी रामकृत मौर्या निवासीगढ़ ग्राम कुचैटा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। बांसगांव गोरखपुर से संबंधित नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ छट्टू पुत्र सुभाष निवासी ग्राम जानीपुर झजवा पार थाना गोला जनपद गोरखपुर को तियर चौराहे के पास से समय करीब 9:50 पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव वो प्रभारी निरीक्षक राणा देवेंद्र प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक गोपाल यादव में हमरा कर्मचारी गण के गैंगस्टर एक्ट के एक नफर वांछित अभियुक्त शिवानंद राय उर्फ कोइल पुत्र दान बहादुर राय निवासी धनौड़ा बुजुर्ग थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 207-21 धारा 3-1 UP गैंगस्टर एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को मुखबिर खास की सूचना पर धसकी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। खुदीराम बोस की वीरता से आतंकित थे अंग्रेज। बड़हलगंज नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ बड़हलगंज में बुधवार को अमृत महोत्सव के तत्वाधान में वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अभिषेक पांडे ने कहा कि जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस हाथ में गीता लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष कुछ महीने ही थी। फखरुद्दीन गांधी विद्यापीठ वाराणसी के प्रोफेसर अवध नारायण दुबे आगरा से जुड़े डॉक्टर अंकित मिश्रा ने कहा कि खुदीराम बोस को आज भी सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में याद किया जाता है। पंडित श्री राम वाजपेयी की जयंती अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। गोरखपुर अयोध्या दास स्काउट कुटीर सिविल लाइन्स में पंडित श्री राम वाजपेयी की जयंती आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम पंडित श्री राम वाजपेयी के चित्र पर जिला मुख्यालय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एवं सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त
नौशाद अली सिद्दीकी व पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किया गया तथा सभी स्काउटर गाइडर एवं स्काउट गाइड द्वारा सैल्यूट किया गया। इस अवसर पर सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त नौशाद अली सिद्दीकी, किरण देवी, प्रतिमा शुक्ला, सत्यानंद दुर्गावती, दुसिया मीडिया प्रभारी अजय कुमार गुप्ता, बजरंगी एडवोकेट राजेश चौधरी, राजू मौर्य तथा श्यामू सिंह, सीवी सिंह, सुंदरम शुक्ला सहित आदि लोग मौजूद रहे। सियार ने आदमी व मवेशियों को काटा, गांव में दहशत का माहौल। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजगढ़ में बीती रात कहीं से 3 की संख्या में सियार आ पहुंचे और पहले मवेशियों को निशाना बनाकर हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो भी मिला उसे काट लिया। ग्रामीणों ने अजीज होकर एक को मार गिराया। बताते चले कि उक्त गांव निवासी दिनेश तिवारी का घर गांव के पूरब बना है। वो अपने दरवाजे पर टहल रहे थे कि खेत की तरफ से आया सियार ने उनको काट लिया। साहबान और सुनील मौर्य को हाथ और पैर में काटा तो वहीं मजीद और जैनुद्दीन की बकरी पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हनुमान मौर्य की भैंस को भी काट लिया। गिरे हुए सियार को ग्रामीणों ने लाठी डंडे से मार डाला। घायल तीनों व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचकर अपनी इलाज करा रहे हैं। ग्रामीणों में अभी भी दहशत जिंदा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बैठक संपन्न। विकासखंड गगहा के ग्राम सभा पिछौरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की आम सभा की बैठक कराई गई। इस ग्राम सभा संगठन का नाम हरियाली प्रेरणा ग्राम संगठन रखा गया, जिसमें वरिष्ठ समूह सखी सरिता दुबे के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने तथा स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान धीरेन्द्र कुमार सिंह तथा मंच संचालन आलोक मणि त्रिपाठी ने किया। जमीनी विवाद में मारपीट, 3 घायल। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जमीन के विवाद में बुधवार को दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। बताते चले कि उक्त गांव के सुभाष व रंजन के घर से काफी दिनों से जमीन का विवाद चलता है। बुधवार को अपराह्न दोनों पक्षों में लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया और मारपीट हो गई, जिसमें सुभाष व उनके पुत्र चंद्रहास व इंद्रहास घायल हो गए। घायलों का आरोप है कि लगभग आधा दर्जन लोगों ने उन्हें लाठी डंडा, दांव, हथौड़ा व कुदाल से बुरी तरह मारा। इस संबंध में कोतवाल धर्मेंद्र कुमार से पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका CUG नंबर बंद निकला।